हाय गाइस, जय हिंद। और टुडे अवर टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। गाइस, आई एम सुनील सिंह। और गाइस, इस चैनल में आज हम लोग इस लेक्चर में लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देर आर टू टाइप्स। कितने टाइप का होता है? टू टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सेल पॉइंट। इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एट एन एक्सेल पॉइंट, गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन है। इसको हम लोग एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं गाइस। और जो सेकेंड हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्विलेटरल पॉइंट, किसके लिए? यहाँ पर एक्सेल पॉइंट है, AXIL, एक्सेल पॉइंट, एक्सेल पॉइंट। और जो सेकेंड है इक्विलेटरल पॉइंट, या उसे इसे एंड ऑन पोजीशन बोलते हैं, उसे ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन गाइस कहते हैं। गाइस इसमें क्या लेते हैं, हम लोगों ने डाइपोल पढ़ा है गाइस। डाइपोल का फार्मूला क्या होता है? P इक्वल टू क्यू एल। डाइपोल का फार्मूला क्या? P इक्वल टू क्यू एल। तो ये डाइपोल के कारण हम लोग फाइंड करेंगे P इक्वल टू क्यू एल। तो गाइस के लिए डाइपोल है ए बी, क्या है डाइपोल? कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू चार्ज। इसमें टू चार्ज है, माइनस क्यू प्लस क्यू। और गाइस हम लोगों को जैसे पता है कि जो डाइपोल होता है उसमें अपोजिट एंड इक्वल चार्ज होता है, तो उसकी वैल्यू इक्वल होगी और अपोजिट होगा, एक माइनस का होगा दूसरा प्लस का होगा। तो गाइस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, सपरेशन बिटवीन देम टू एल, उनके बीच कितनी डिस्टेंस है? टू एल है। लेट पी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, और पी पॉइंट हमारा एक्सियल लाइन पर है। और देयर फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर एंड ऑन पोजिशन। वेयर चार तो लिख सकते हो, वेयर वेयर फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल। गाइस तो हम लोगों को क्या करना है, पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है, किसके कारण? ड्यू टू डाइपोल के कारण। गाइस डाइपोल के लिए हम लोगों ने पढ़ लिया कि पी इक्वल टू क्यू एल, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है गाइस ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए। डाइपोल का तो पी इक्वल टू क्यू एल, गाइस इसको रफ में लिख लेना कहीं पे। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है गाइस, ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या गाइस? क्यू बाई आर स्क्वायर। चलो अब देखते हैं। तो पहले हम लोग प्लस क्यू के कारण बी पॉइंट पर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी। हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी। गाइस बहुत इजी है गाइस, ई वन इसे क्या सपोज कर लेंगे, ई वन। और फॉर्मूला का तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर गाइस क्या है? बीपी। भाई डिस्टेंस कितनी है, इतनी डिस्टेंस लेंगे बीपी स्क्वायर। क्यू है और पी पॉइंट फाइव करना है, तो भाई बीपी स्क्वायर गाइज, ठीक है ना गाइज। और एक चीज देखिएगा, यहाँ पर हमें बीपी की वैल्यू नहीं पता गाइज, बीपी की वैल्यू पता है? नहीं पता ना। हमें क्या पता है? ओपी पता है, ओपी, ठीक है ना। और यहाँ पर इस पॉइंट क्या है, बी है। ओपी की वैल्यू कितनी गाइज, यहाँ से यहाँ तक आर है। और ओबी की वैल्यू कितनी है, एल। गाइस ये देखिएगा, ये पूरी लेंथ 12 थी, पूरी लेंथ कितनी थी, क्यू माइनस क्यू और प्लस क्यू की डिस्टेंस कितनी, 12। तो हाफ कितनी हो गई, एल। और एल यानी कि ओ से बी की डिस्टेंस कितनी, एल। हमें वैल्यू निकालनी है बीपी, पूरी इस डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे गाइस, बीपी की वैल्यू। तो पूरे से इतना लेस कर दें, यानी कि बीपी इक्वल गाइस क्या होगा, ओपी माइनस ओबी, ओपी माइनस ओबी। गाइस ओपी कितना है, आर, और ओबी कितना है, एल। तो इवन इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर माइनस एल का
होल स्क्वायर एक क्वेश्चन फर्स्ट। नाउ गाइस अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी लिख लेंगे ना इसे। इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी सॉरी एट पॉइंट पी ठीक है गाइस। तो इसके लिए क्या लेंगे गाइस, E2 इक्वल क्या फाइंड करेंगे, E2 इक्वल वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू माइनस क्यू अपॉन, अब यहां से इतनी डिस्टेंस लेंगे P पे लेंगे कहां से माइनस क्यू से, तो डिस्टेंस कितनी होगी AP गाइस, कितनी डिस्टेंस होगी अपॉन AP और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया AP का स्क्वायर। अब समझिएगा एपी की वैल्यू गाइस कितनी होगी, हमें एपी की कंप्लीट वैल्यू नहीं पता है लेकिन एपी है कितना, एपी है एओ प्लस ओपी, एओ की वैल्यू एल और ओपी की वैल्यू आर, तो ए प्लस आर ठीक है ना, ए सॉरी एल प्लस आर मींस एपी इक्वल गाइस कितना है, यहां पर लिख दे रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एपी, एपी की वैल्यू है एओ एओ प्लस ओपी ओपी, हम लोग गाइस इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि AP इक्वल अच्छा L प्लस R, हम लोग इसको ऐसे ले सकते हैं कि AP इक्वल गाइस R प्लस L, क्या ले सकते हैं AP इक्वल R प्लस L गाइस, बात समझ में आई, AP इक्वल टू AO प्लस OP तो AP इक्वल टू L प्लस R, AP इक्वल टू R प्लस L ठीक है ना। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं गाइस E2 इक्वल रफ कर दे रहे हैं ऊपर से, रफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, तो गाइस हमारा E2 इक्वल कितना है, E2 इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और माइनस पहले ले लो Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, R प्लस L निकाले थे उधर, R प्लस L का होल स्क्वायर क्वेश्चन नंबर सेकंड। टोटल इंटेंसिटी, टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गाइस क्या आएगी, इक्वल ई वन प्लस ई टू, बन रखो गाइस ई वेक्टर इक्वल इक्वल ई वन प्लस ई टू वेक्टर क्वांटिटी है, वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन e1 वैल्यू कितने गाइस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q अपॉन r माइनस l का होल स्क्वायर, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q अपॉन r माइनस l का होल स्क्वायर। और गाइस सेकंड क्वेश्चन देखिएगा माइनस लगा हुआ है तो प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q बाई r प्लस l का होल स्क्वायर गाइस, अब नीचे वाला रफ कर रहे हैं, अब देखिए इसमें कॉमन मिल रहा है क्या, e वेक्टर इक्वल कॉमन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अपॉन में मिला, ऊपर कितना मिला कॉमन गाइस q, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इनटू q, ऊपर कॉमन मिला बचा क्या हमारे पास 1 अपॉन r माइनस l का होल स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन r प्लस l का होल स्क्वायर गाइस, होल स्क्वायर खोलेंगे ओपन द स्क्वायर गाइस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू q स्क्वायर ओपन किया, यहां पे आएगा r माइनस l का होल स्क्वायर और r प्लस l का होल स्क्वायर गाइस, समझिएगा इधर आएगा r प्लस l का होल स्क्वायर माइनस r माइनस l का होल स्क्वायर गाइस, इसको हम लिख सकते हैं e वेक्टर इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन नॉट के गाइस, स्लो पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से समझेंगे, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं भागना है गाइस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू आर एल ठीक है ना गाइस,
आर, एक बार एक एक स्टेप देख रहे हैं, एक एक स्टेप। अब माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस टू आर एल, क्या आएगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस टू आर एल। चलो कर लिख दे रहे हैं, इसे कंफ्यूज नहीं होना है। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस टू आर एल, ठीक है ना गाइज? और ये ए प्लस बी ए माइनस बी, अगर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी दूसरे में ए माइनस बी, तो फार्मूला क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गाइज, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर गाइज, और का होल स्क्वायर लगा लगा दो, ठीक है ना? अब ऊपर का रुख करते हैं। गाइज अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कराया, ई वेक्टर इक्वल गाइज, ई वेक्टर इक्वल वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू दिस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू आर एल, माइनस से मल्टीप्लाई कराए, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस टू आर एल, माइनस माइनस गाइज प्लस हो गया, अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर कैंसिल, काट देंगे गाइज, कुछ समझ में नहीं आएगा इसीलिए काट नहीं रहे, समझ लीजिएगा कट जाएगा। आर स्क्वायर एल स्क्वायर घटा, कटा नहीं घटा, माइनस हुआ गाइज, क्या किया, माइनस किए, सब्ट्रैक्ट किए गाइज, क्या किए, सब्ट्रैक्ट किए, तो कितना बचा, टू आर एल इंटू टू, टू आर एल प्लस टू आर एल कितना आया, फोर आर एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर गाइज। बात समझ में आई? अब गाइज समझिएगा, ई वेक्टर एकल थोड़ा सा माइंड लगाइए, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू गाइज फोर आर एल अपान। अब एल क्या है, एल इज द लोएस्ट, मतलब एल की वैल्यू क्या है, यहाँ पर जो हम लोग कहते हैं कि सेपरेशन बहुत कम सेपरेशन है, मिनिमम सेपरेशन, ए और बी का सेपरेशन क्या है, बहुत कम है। ये सपोज करो टू एल की वैल्यू सपोज करो 1 मिलीमीटर हो, डिस्टेंस बिटवीन टू एल 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर का मतलब कितना, 0.001 मीटर। यदि यहाँ पर सेंटीमीटर कर लें, सेंटीमीटर तो कितना हो गया, 0.01 मीटर, ठीक है ना गाइस? या सपोज कर लो 0.1 मीटर ही सपोज कर लो, बहुत कम सेपरेशन होता है, 0.1 मीटर सेपरेशन सपोज कर लें। यदि हम इसका स्क्वायर करें, पहले तो हाफ करेंगे तो 0.5 आएगा, 1 का हाफ करेंगे 0.05, कितना आएगा गाइस, 0.05। और फिर यदि हम इसका स्क्वायर कर दें, 0.1 का स्क्वायर कर दें, कितना आएगा, 0.01, है ना गाइस? और अगर इसका हम क्यूब कर दें तो कितना आएगा, 0.0001 फोर टाइम, यानी कि आपका 0.1 ग्रेटर है या 0.01 ग्रेटर है या 0.001 ग्रेटर है, भाई 0.1 बड़ा ग्रेटर है, कितना बड़ा है, 100 टाइम 0.01 से, ठीक है ना? और क्यूब कर देंगे तो कितना टाइम बड़ा है, 10,000 टाइम बड़ा है। तो गाइज अगर पावर फोर करेंगे तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, ठीक है ना गाइज? मीन्स एल स्क्वायर इज लेस देन वन, एल स्क्वायर इज लेस देन वन, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देंगे गाइज, तो हमारे पास क्या आएगा, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर गाइज। ई वेक्टर इक्वल वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन फोर आर एल अपॉन आर की पावर फोर, एक पावर से पावर कैंसिल, वन पावर से पावर कैंसिल गाइज, कितना बचा हमारे पास, ई वेक्टर इक्वल वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू और टू इंटू टू एल, ऐसे क्यों लिखा अभी बताएंगे, एक पावर कैंसिल आर क्यू बचा गया यहाँ पे, तो इक्वल इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के गाइस, इसको हम लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं 2 × 2 QL, ठीक है, 2 बार लिया 2 QL लिख लिया, वाई आर क्यूब, और 2 QL क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसे कि पीछे पड़ा है, पीक्वल क्या होता है गाइस, 2 QL, ठीक है ना? तो गाइस हमारे पास ई वेक्टर इक्वल कितना आएगा, ई वेक्टर इक्वल हमारे पास जो निकल के आया रिजल्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के
और 2p/r³, और दिस इज द हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन ऑन पोजिशन ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल। तो गाइज मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, और गाइज इसको शेयर करिएगा, जितना अधिक से अधिक शेयर हो सके उतना शेयर करिए गाइज, इसको शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, हो सके तो कमेंट भी करिए। जय हिंद, जय भारत।